سے بڑا حملہ کیا ہے جموں کشمیر جوہری میں سینا کی 12ویں یونٹ کے بیس پر ہوئے آتم گھاتی حملے میں سینا کے 17 جوان شہید ہو گئے سینا نے چاروں آتنکیوں کو بھی مار گرایا 12ویں جوہری میں یہ آتم گھاتی حملہ صبح قریب 5:15 بجے ہوا حملے کے بعد دیش کے سبھی ایئرپورٹ ہائی الرٹ کر دیے گئے ہیں گرہ منتری راجناتھ سنگھ نے دلی میں ہائی لیول میٹنگ کی ہے رکشا منتری منوہر پاریکر بھی سری نگر روانہ ہو گئے बता दें कि थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी हमले के बाद पहली बार केरल के कोझिकोड में एक जनसभा को संबोधित करने वाले थे तो चलिए सीधा रुख करते हैं मोदी जी की रैली की ओर भाई बहन यहाँ भाइयों बहनों इन दिनों पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल है जम्मू कश्मीर के उरी में हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने कातिलाना हमारे शहीदों पर कातिलाना हमला किया जिससे हमारे देश के 18 जवानों को शहीद होना पड़ा परंतु वो आतंकवादी अपने कान खोल कर सुन ले भारत इस बात को भूलने वाला नहीं है ये आतंकवाद मानवता का दुश्मन है आज विश्व के सभी मानववादियों को एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा हिंदुस्तान इस लड़ाई को हमेशा जीतता आया है और जीतता जाएगा इसका कारण सिर्फ शस्त्र नहीं है क्योंकि भाइयों और बहनों हमारे जवानों के लिए शस्त्र तो एक खिलौना है खिलौना बल्कि हमारे जवानों की असली शक्ति यही हमारा मनोबल है और भारत का मनोबल विश्व में सबसे ऊंचा और सबसे बुलंद है 125 करोड़ जनता का मनोबल यही हमारी शक्ति यही हमारी ताकत और यही हमारे सैन्य का सामर्थ्य है भाइयों और बहनों जुटा रहे हैं इमीडिएटली कोई ना कोई एक्शन जरूर
21 सितंबर 2016 रात का समय पांगोड़ा। Thank you.